Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक pick a card reading लेकर आई हूँ, जिसका topic है क्या आपके partner आपसे मिलना चाहते हैं. So pile selection करने से पहले मैं आपसे request करूँगी कि आप अपनी eyes close कर लीजिए, ताकि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो पाए, ताकि आप अपने माइंड को काम कर पाए और इंट्यूटिवली पाइल की सिलेक्शन को कर पाए. और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि ईश्वर आपकी मदद करें आपको उस पाइल की तरफ डायरेक्ट करने में जो पाइल आप ही के लिए है. So, अपनी आईज ओपन कर लीजिए. पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये पिंक कलर का फ्लावर है और एक ये ब्लू कलर का हार्ट है. दोनों ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से देखकर अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और आंखें बंद करने पर जो भी ऑब्जेक्ट आपको नजर आता है आप उस ऑब्जेक्ट वाली पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं. ये जो पिंक कलर का फ्लावर है दैट इज पाइल नंबर 1 एंड ब्लू इज पाइल नंबर 2. तो देखते हैं जिन्होंने ये पिंक कलर का फ्लावर चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, क्या आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, करंट सिचुएशन क्या है, क्या आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं. एक चीज मैं बताना चाहूंगी, मैं अपने पिक अ कार्ड रीडिंग्स में जोडिक साइन बता देती हूँ एंड फिर भी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि मैम जोडिक साइन आपने नहीं बताया. प्लीज वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए ताकि आप भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले पाए. 6 of Calluses का कार्ड है, यहाँ पर 5 of Calluses का कार्ड है, द क्रोन का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ कैलिसिस का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक पर 6 of Pentacles का कार्ड. सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक क्या आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं. सक्सेस का कार्ड है, एनलाइटनमेंट का कार्ड है, सिंप्लिसिटी का कार्ड है, करेज का कार्ड है, एडवेंचर्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड है. सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके पार्टनर आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, उनकी किसी भी ऐसे इवेंट से जैसे कि अभी ट्रिगर हुआ है, एनर्जीज में भी ट्रिगर हुआ है, एनलाइटनमेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा है आजकल. सो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट तो हुई है. सो यहां पर पहले मैं जोडिक साइंस बताना चाहूंगी. यहां पर वाटर साइंस है स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर. यहां पर जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा है और कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस है. ओके, सो यहां पर मुझे फायर साइंस उस तरह से नजर नहीं आ रहे हैं, 1-2% हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ज्यादा यहां पर नहीं है. एंड जो नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 5, 13, 14, 17, 29, 27 और 6 तो है ही, ठीक है. ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, माइट बी इट इज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप या कुछ ऐसा. ओके, सो यहां पर जो चेंजेस हैं वो बहुत ही मेजर चेंजेस हैं करंट सिचुएशन में. आपके पार्टनर को एनलाइटनमेंट हुई है कि कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में
सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो खो रहे हैं वो है आपको, आपके इस रिलेशनशिप को। इस बात की एनलाइटनमेंट आपके पार्टनर को हुई है। आप जो चीजें आप दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स हैं उन्हें आपके पार्टनर सिंपल बनाना चाहते हैं, उन चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और उसके लिए वो अपने पूरी स्ट्रेंथ से कोशिश करने वाले हैं। आपके पार्टनर को ये डायरेक्शन नजर आ रही है कि वो आपकी तरफ को मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए और अभी हिम्मत वो इकट्ठा कर रहे हैं, इतनी हिम्मत आई नहीं है। जब भी किसी भी पर्सन को एनलाइटनमेंट होती है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, उस एनलाइटनमेंट के बाद उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट जिस चीज की रियलाइजेशन आप अपने पार्टनर को करवाना चाहते थे कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा है, आप दोनों पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, इस बात की जो रियलाइजेशन है वो आपके पार्टनर को डेफिनेटली हो गई है। आज के टाइम पर आपकी मुस्कुराहट, आपके बात करने के तरीके को, आपकी ऑर्डर को आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर उस डायरेक्शन की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिस डायरेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे, आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, उस डायरेक्शन की ओर आपके पार्टनर बढ़ रहे हैं, बट ये जो इवेंट है ये बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। इट विल टेक टाइम। टाइम क्यों लग रहा है? आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वक्त सिर्फ इस वजह से लग रहा है क्योंकि एकदम नींद से उठे हैं आपके पार्टनर। नींद से उठते ही वो भागने नहीं लगेंगे, ठीक है? थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करने वाले हैं वो इस रिश्ते में जो इतनी हैवी एनर्जीज हैं उनको लाइट बनाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर जब आपके सामने आएंगे वो अपने इमोशंस को बहुत जल्दी आपके सामने व्यक्त करेंगे, ठीक है? और ये चीज उनके लिए एक एडवेंचर होने वाली है। एडवेंचर इस वजह से क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं है, उन्हें नहीं है ये उम्मीद कि आप उन्हें माफ कर देंगे, उन्हें नहीं है ये उम्मीद कि आप सच में आप भी उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें इस बात की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से वो इस रिश्ते के अंदर एक बैलेंस लाने की कोशिश करने वाले हैं, वो इस रिलेशनशिप को बैलेंस स्टेट में लाने के लिए अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स होंगे वो करेंगे, क्योंकि अब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपने जज्बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं, बट वो ये नहीं चाहते हैं कि आप तरस करके उनके ऊपर इस रिश्ते में एंटर करें। वो आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने वाले हैं कि आपको उनका प्रपोजल एक्सेप्ट ही करना है, बट एक अपने दिल की तसल्ली वो जरूर करेंगे आपके सामने अपनी बातों को कहकर। आप इस चीज में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कब आपके पार्टनर आपके लिए तड़पेंगे, तो वो तड़प यहां पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपके लिए तड़प रहे हैं। गिल्ट है ऊपर से उस प्यार के लिए तड़प रहे हैं जो आप उन्हें दिया करते थे, और आज अगर उनके दिल में कोई भी लिमिटेशन ना हो तो यकीन मानिए वो एक मिनट नहीं लगाएंगे आपको फोन कर देंगे, एक मिनट से पहले आपको फोन आ जाएगा। लेकिन लिमिटेशन इस बात की है कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत था, अब उन्हें वो नैतिकता याद आ रही है, मिलना चाहते हैं आपसे और उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे और आप एक नए पर्सन को देखने वाले हैं। आप जिस तरह के इंसान से मिलना चाहते हैं आप उसी तरह के पर्सन से मिलेंगे। उनके अंदर जो भी लो एनर्जी
रही है पास्ट में, वो एनर्जी निकलती हुई नजर आ रही है, वो एनर्जी नहीं होगी आपके पार्टनर के अंदर। उनके अंदर किसी तरीके का डर नहीं होगा, क्योंकि वो अपने हर डर को ओवरकम करके आपसे मिलने वाले हैं। आपके पार्टनर अपने आप को प्रूफ नहीं करेंगे, बल्कि वो अपना दर्द आपसे बयां करने वाले हैं। ये एनर्जी डेफिनेटली यहां पर है। बहुत हिम्मत के साथ वो आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं और वो इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं। मिलकर वो सिर्फ एक कोई फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप नहीं आपके साथ निभाना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी जिंदगी को बिताना चाहते हैं और उसकी तरफ को आपको भी अग्रसर करने वाले हैं। अब इस चीज में वक्त, अगर आप मुझसे टाइम की बात करें तो यहां पर नंबर 6 आ रहा है, तो 6 दिन हो सकते हैं कि आप दोनों की एक मीटिंग हो, 6 घंटे हो सकते हैं आप दोनों की एक मीटिंग हो, ठीक है? तो आपके पार्टनर आपसे मिलने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो अब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। लेट्स सी दैट आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, तो पहला कार्ड यहां पर द सेकेंड मैसेज फॉर यू द थर्ड मैसेज फॉर यू इज दिस। आज बहुत लाइट रीडिंग निकल कर आई है, बहुत इजी एनर्जीज हैं ये, बहुत इजीली आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं और ये उन लोगों के लिए है जो लोग खुद में भी एनलाइटेंड हैं, बिकॉज इस एनलाइटेनमेंट की एनर्जी को या अपने पार्टनर की इस एनलाइटेंड एनर्जी को आप तभी समझ सकते हैं अगर आप खुद भी एनलाइटेंड हैं तो। ओके, सो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूं, आई एम गिल्टी। आपके पार्टनर को बहुत शर्मिंदगी हो रही है, वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट की एनर्जीज में है। I want to grow old with you. Give me one chance. ये मैंने आपको बोला है, going forward का कार्ड निकल कर आया है। आपके पार्टनर आपसे एक चांस की उम्मीद करते हैं, वो आपसे मिलकर आपसे ये चीज कहेंगे कि वो आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बहुत कोशिश करता हूं यहां से निकलने की पर निकल नहीं पा रहा हूं। एक्चुअली यहां पर स्ट्रेंथ की कमी नजर आ रही है। आपके पार्टनर यहां से निकल जाएंगे, आप अगर एनर्जी की टर्म्स में उनकी कुछ मदद कर सकते हैं तो वो सिर्फ इतना ही है कि आप अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्टेशन कीजिए, ठीक है? उससे उनकी एनर्जी थोड़ी राइज होगी और जो उनको स्ट्रेंथ महसूस नहीं हो रही है वो स्ट्रेंथ की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं किस तरह तुम्हारे सामने आऊं मुझे समझ नहीं आता है। मैंने आपको कहा ना कि ये जो ब्लॉकेज है, जो वो उनकी चाहत है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन सामने कैसे आए ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि शर्मिंदगी इतनी ज्यादा है। कैसे कोई अपने प्यार को हर्ट कर सकता है, अब उन्हें इस बात की रियलाइजेशन हो रही है। मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है, उन्हें वो नीड महसूस हो रही है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपसे मिलने वाले हैं। करंट सिचुएशन यही नजर आ रही है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जैसे ही आपके पार्टनर से आप मिले, कम्युनिकेशन करें, तो नीचे यहां पर कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। ओके, सो नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइए ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो आल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी विद दिस ब्लू हार्ट पाइल कि क्या आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। जिन्होंने ये सेकंड पाइल चूज की है, लेट्स सी दैट क्या आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 2। देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है, करंट सिचुएशन क्या है, क्या आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कैलिसिस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है यहाँ पर। नाइट ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 of Pentacles का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डे क्या आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 2। लेट्स सी क्या आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। सो पहला कार्ड यहां पर लीडरशिप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चेंज का कार्ड है। ट्रस्ट का कार्ड है। एलिमिनेशन का कार्ड है। वंडर्स का कार्ड है यहां पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फ्रीडम का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जॉडिक साइंस बताना चाहूंगी आपको। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस है, एरीज लियो सैजिटेरियस है। यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है और बहुत कम यहाँ पर एयर साइंस हैं, जेमिनाय लिब्रा एक्वेरियस। ओके सो जो नंबर्स आपको एसोसिएट करते हैं वो है नंबर 12, नंबर 11, 2, 7, 8, 18, 16, 22, 23, 24, 26, 29, 31। ये नंबर्स आपके रिश्ते से या आप लोगों से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड हो सकते हैं। ओके अदरवाइज अगर नहीं भी मैच कर रहे हैं तो आपने बहुत इंट्यूशन से हाईली इंट्यूटिव होकर पाइल सिलेक्शन की है, सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। देखिए आपके पार्टनर अंदर से आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर अपेरेंटली बहुत ही ज्यादा इमोशनल टर्मोइल की स्थिति में है। उनके इमोशंस उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। उन्हें आप पर पूरा विश्वास है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। जो ये दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, आप उन दूरियों को समझ सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर आपसे मिल नहीं पाएंगे। उसका रीजन यहां पर ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो आपके बारे में कई बार बहुत इमोशनल होकर सोचते हैं, वो इस थर्ड पार्टी एनर्जी में इतने ज्यादा ग्रिप हो जाते हैं कि उसके बाद उन्हें ध्यान भी नहीं होता है कि उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ओके आपके पार्टनर आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, प्यार है उन्हें, लेकिन अभी वो आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप उन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें और उन्हें इस दलदल से बाहर निकाल लें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर उनकी जो एनर्जीज है वो ट्रैप्ड है, तड़प है उनके अंदर, प्यार है उनके अंदर, लेकिन वो सिर्फ अंदर डीप इनसाइड है कहीं,
उसको लेकर आपके पार्टनर कुछ एक्शन ले रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि कभी जिंदगी में एक ऐसा उजाला होगा जब आप उनके साथ होंगे। वो सिर्फ एक उम्मीद कर रहे हैं, उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जब भी आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं तो वो कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। आपके पार्टनर फ्री नहीं हो पाते हैं, वो फ्रीडम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन जब भी उस फ्रीडम के लिए वो कोई स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं तो नाकामयाब हो जाते हैं। ये थर्ड पार्टी का अपर हैंड एक उस सिचुएशन में रहता है। चाहत है उनकी कि अपने दिल की सारी बातें आपके सामने बयां कर दें। चाहत है उनकी कि जो गलती उनसे हुई है उसके बारे में आपसे बात करके आपसे माफी मांग लें। लेकिन इस चेंज के लिए बहुत बड़े स्टेप्स की जरूरत है। वो अपनी लाइफ को ही लीड नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ चाहत होने से कि वो आपसे मिलना चाहते हैं से काम नहीं चलेगा। उसके लिए उनको एक्शन लेने की भी जरूरत है, बट वो इस स्टेट में नहीं है कि वो कोई एक्शन ले पाए। आपके पार्टनर सच में उस स्टेट में नहीं है क्योंकि उनकी एनर्जीज यहां पर बहुत लो नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर को अपने जज्बातों को लेकर बहुत घुटन महसूस होती है। किस तरह से वो ये पेन बियर कर रहे हैं ये सिर्फ वो ही जानते हैं। उनके हिसाब से कोई ऐसा चमत्कार ही होगा जिससे कि आप उनसे मिल पाएंगे, वो आपसे मिल पाएंगे, और वो उस चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, वो उस मिरेकल की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि ईश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेंगे, कभी तो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। लेकिन साथ ही साथ में उन्हें ट्रस्ट है कि आप उनकी हालातों को समझ पाते हैं, आप उनकी एनर्जीज को समझ पाते हैं। आप अगर उनके एक्शन से अपने रिश्ते का फैसला कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। द रीजन इज दैट आपके पार्टनर जो कर रहे हैं वो अपनी एनर्जीज में आकर नहीं कर रहे हैं, वो एनर्जी वाइज ट्रैप्ड है। ओके, आपके पार्टनर स्लोली स्टेडली कोशिश करते हैं आप तक आने की, आने की, आने की, तब तक कुछ ना कुछ इस थर्ड पार्टी को ऐसा कुछ एहसास हो जाता है कि उसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी और नीचे चली जाती है। वो गिरते हैं, पड़ते हैं, उठते हैं, रिपीट यही प्रोसेस चल रहा है। ये थर्ड पार्टी दो मुहा सांप है आप लोगों के रिश्ते में, और जब तक इस सिचुएशन से आप अपने पार्टनर को बाहर नहीं निकालेंगे, उनके अंदर जितनी मर्जी चाहत हो आपके साथ रहने की, इस रिश्ते को निभाने की, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी एक टाइम आया था जब आप इस थर्ड पार्टी को ओवरकम कर सकते थे, आप कर सकते थे, आपके पार्टनर कर सकते थे, आप लोगों ने नहीं किया। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थोड़ी डीप होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। करंट सिचुएशन यही है कि थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत ही ज्यादा डीप हो रही है, और इस डीपनिंग एनर्जी की वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स और आपके पार्टनर के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। जहां पर थोड़े सी एनर्जी शिफ्ट से आपके पार्टनर आपके सामने आ जाते हैं, वहां पर अब एनर्जी शिफ्ट आपको ज्यादा क्रिएट करना होगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन है होगी एनर्जी की टर्म्स में। अदरवाइज ये जो चाहते हैं मिलने की, ये जो चाहते हैं बात करने की, ये सिर्फ चाहते ही रह जाएंगी, ये कभी रियल लाइफ में नहीं हो पाएगा। देखिए, जब आपके पार्टनर आपके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं तो उनके इस ट्रस्ट को ब्रेक मत होने दीजिए। अपने पार्टनर को एनर्जी लेवल पर आप मदद कीजिए, आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझिए, उनकी रीडिंग लीजिए, उसमें उनकी ब्लॉकेजेस को समझिए अकॉर्डिंगली। कई बार ऐसा होता है कि लगता है हमें कि बहुत बड़ी ब्लॉकेज है, लेकिन किसी एक छोटी सी चीज से वो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ब्लॉकेजेस को समझिए, उसके बाद अगर कुछ उपाय करने वाला है वो कीजिए, जो भी रिकमेंड किया जाएगा। अगर कुछ हीलिंग का प्रोसेस है तो वो गो थ्रू कीजिए। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर जज्बात खत्म नहीं हुए हैं, इस बात को समझ कर चलिएगा।
वह जो एक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के एनर्जीज के ऊपर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज इम्पोज हो चुकी हैं। चाहते अंदर से आती हैं, ये चाहत उनके अंदर से है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं आपसे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो उनका बुरा कर्मा उन तक वापस आ रहा है, वो ये सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं और मिलकर कहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, उसके लिए कोशिशें भी करते हैं लेकिन उनकी कोशिशों का कोई उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर जो जितनी स्ट्रांग ब्लॉकेज नजर आ रही है, इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन काम करेगी तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा, ठीक है। सो यहां पर आपको अपने पार्टनर की इन डीप ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है और आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो हमने टॉपिक आज उठाया उसका आंसर तो यस है, बट उस टर्म्स में कोई एक्शन नहीं होने वाला है। सो आप कुछ आपके पार्टनर की सोल से मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। तो पहला मैसेज यहाँ पर ये है, द सेकेंड मैसेज फॉर यू इज दिस वन। अब तो मैसेज में भी निकल आया, बताती हूँ क्या निकल कर आया। द नेक्स्ट इज दिस वन, द नेक्स्ट मैसेज इज दिस वन, वन मोर मैसेज फॉर यू इज दिस वन। सो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, बहुत झूठ बोले हैं तुमसे पर अब एक ही सच मेरी जिंदगी है और वो ये है कि आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन इस प्यार को बयां कैसे करना है, इस प्यार को एक मुकाम तक कैसे पहुंचाना है, ये वो नहीं जानते हैं। मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगा। अब देखिए यही टॉपिक रहा है आज की वीडियो का, तो आपके पार्टनर की सोल आपसे कह रही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन मैं कहां स्टक हूं, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं। आपके पार्टनर स्टक हैं, उनकी ब्लॉकेज को समझिए, उनके पेन को समझिए, उनकी तकलीफ को समझिए और उन्हें सिचुएशन से बाहर निकालिए। तुमसे दूर होकर भी मैं कभी तुमसे दूर हो ही नहीं पाया, आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे दूर हुए हैं लेकिन कभी भी इंटरनली वो आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं। सो वो कभी आपसे दूर हो ही नहीं सकते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू पहले भी निकल कर आया है, आई लव यू यहां पर भी निकल कर आया है। मैं गुनहगार हूं तुम्हारे एक एक आंसू का, मुझे माफ कर दो। आपके पार्टनर आपसे माफी मांग रहे हैं, वो गुनहगार हैं आपके एक एक आंसू के, सो प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। सो फॉर पाइल नंबर टू, आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, उनकी ब्लॉकेजेस को समझिए एंड अकॉर्डिंगली आप अपने इस रिश्ते को ठीक कर पाएंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टारो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।